हमारे साथ है वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मृदुल देहानकर। मृदुल, अभी आपने टूर्नामेंट के पहले बोर्ड पे जीत दर्ज की है, सेकंड सीट खिलाड़ी को हराया है, तो कैसा रहा आपका गेम, बताएंगे कुछ? काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था, मतलब मैंने एक पॉन देके एडवांटेज लेने की कोशिश किया था। ओके। तो उसको आगे खेलना उतना अच्छे से जमा नहीं, तो फिर मेरी लास्ट में सैक्रिफाइस मार के विन हो गए। ओके, तो दिखाएंगे वो गेम क्या हुआ पोजीशन? ये पोजीशन में दो मूव्स थी, एक तो बिशप d6 या फिर क्वीन e7। क्वीन e7 पे मार नहीं सकते क्योंकि नाइट इनटू e7 और बिशप g8 पे ट्रैप है। ओके। पर मैंने डिसाइड किया बिशप d6। इसमें दो प्लान है, तो क्वीन e7 अभी खेल सकते हैं या फिर h2 मार सकते हैं। तो उसने यहाँ पे किंग f2 खेला। ओके। यहाँ पे बिशप के बहुत सारे ऑप्शंस थे। बिशप d3 पे बिशप h7 आ रहा था। ओके। बिशप इनटू h7 पे क्वीन h8 एंड क्वीन इनटू h7 मर रहा था, तो वो इक्वल हो जाती, तो इसलिए मैंने बिशप a6 खेला। उसको यहाँ पे लगा कि h2 मर रहा है, तो उसने g3 सेव करने के लिए किया। यहाँ पे मैंने क्वीन e7 खेला, अभी भी मार नहीं सकते क्योंकि क्वीन इनटू e7, नाइट इनटू e7, बिशप h7 पे f5, और यहाँ पे बिशप ट्रैप है, तो उसको थोड़ा पॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने क्वीन e7 पे क्वीन g7 खेला, उसने लॉन्ग कैसल स्टॉप किया क्योंकि ऐसे लगा बिशप f7 मर रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा था। किंग d7, उसने बिशप h6 खेला, उसने रुक इनटू g8 सैक्रिफाइस मिस कर दिया। ओके। रुक इनटू g8, क्वीन इनटू g8, क्वीन f6, यहाँ पे माइनस ही है, तो यहाँ पे उसने किंग e1 खेला। यहाँ पे हम क्वीन f1 भी खेल सकते हैं, फिर सिंपल क्वीन इनटू h6 मार के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने क्वीन f1 खेला, किंग d2, क्वीन f2, किंग d1, बिशप d3। यहाँ पे पहले मुझे लगा विन हो गई, फिर मेरा बाद में उसने खेला क्वीन g4, पर कुछ फिर भी विनिंग ही है। क्वीन इनटू जी क्वीन इनटू b2, जब a1 जा रहा है, फिर मैं टू पीस ऑफ हो रही हूँ, तो उसने यहाँ पे रिजाइन क्वीन f3 खेला, बिशप c2 पे रिजाइन कर दिया। तो मृदुल, इसी साल आपने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का भी खिताब लिया है, हासिल किया है, रेटिंग भी वापस ऊपर की तरफ आई, तो कैसा जा रहा है अभी तक? अभी वर्ल्ड युद्ध तो अच्छा नहीं गया, तो उधर 100 माइनस हुआ, तो इधर रिकवर करना है। ओके। आई होप कि आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है, तो आप जरूर इसके आगे रिकवर करोगे, तो गुड लक आपको आगे के राउंड्स के लिए। थैंक यू।